हेलो फ्रेंड्स, गर्मी का सीज़न है और इतने सारे पेशेंट फाइब्रॉइड्स के आ रहे हैं, तो यूट्रस में जो फाइब्रॉइड बन जाते हैं उनको लेकर लोगों में इतने सारे मिथ्स हैं। और जो सबसे कॉमन मिथ है वो ये है कि फाइब्रॉइड दवाइयों से सही हो सकता है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन फ्रॉम जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, आज आपको फाइब्रॉइड से रिलेटेड जो मोस्ट कॉमन 2-3 मिथ हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या फाइब्रॉइड दवाइयों से ठीक हो जाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकते। यदि डायग्नोसिस सही है, यानी कि फाइब्रॉइड है, तो डेफिनेटली उसके लिए सर्जरी की ही रिक्वायरमेंट आएगी, वो कभी भी दवाई से नहीं ठीक हो सकता। दूसरा बहुत बड़ा मिथ है कि क्या ये आयुर्वेद की दवाई से या होम्योपैथी की दवाई से ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं ठीक होगा। आयुर्वेद और होम्योपैथी की दवाइयाँ खा खा कर बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं, साल दो दो साल दवाइयाँ खाते हैं, फिर उनका फाइब्रॉइड का साइज़ लगभग डबल हो जाता है और पेशेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। हीमोग्लोबिन डाउन आ जाता है क्योंकि ब्लीडिंग उनकी बढ़ती रहती है और एनीमिया होने के कारण बाद में ब्लड लगा के सर्जरी करनी पड़ती है। तीसरा बहुत बड़ा मिथ है कि महीना चले जाने के बाद, यानी कि मेनोपॉज आने के बाद, फाइब्रॉइड श्रिंक कर जाएंगे या ठीक हो जाएंगे या गायब हो जाएंगे। तो ये भी बिल्कुल सत्य नहीं है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल मिथ्या है। फाइब्रॉइड अगर आपको है तो डेफिनेटली आपको हो सकता है कि मेनोपॉज ही ना आए, यानी कि आपकी ब्लीडिंग कंटिन्यूअस चलती रहे। और यदि मेनोपॉज आ भी गया तो साल दो साल तीन साल के बाद आपको डेफिनेटली पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होगी। कल ही हमने एक 80 ईयर्स की लेडी को ऑपरेट किया जिसके एक फाइब्रॉइड था और उसका बस लगभग आई थिंक कि 30 साल से उसको कोई ब्लीडिंग नहीं थी, 50वें साल में उसका मेनोपॉज आया था और आज 30 साल के बाद उसको फाइब्रॉइड के कारण ब्लीडिंग हुई और फाइनली हमें उसे ऑपरेट करना पड़ा। तो अब आप सोचिए कि 50 साल की उम्र में आप ऑपरेट कराना ज़्यादा सेफ है या 80 साल की उम्र में ऑपरेट कराना ज़्यादा अच्छा है? तो ये तीन मिथ बहुत बड़े हैं कि फाइब्रॉइड दवाई से ठीक होता है, फाइब्रॉइड आयुर्वेद की दवाई से या होम्योपैथी की दवाई से चला जाएगा, या महीना चले जाने के बाद यानी कि मेनोपॉज के बाद चला जाएगा। ये सब के सब मिथ हैं। फाइब्रॉइड का एक ही इलाज है, सर्जरी, यानी कि दूरबीन के द्वारा उसको निकाल देना। उसमें केवल गांठों को निकाला जा सकता है और यदि आपकी उम्र हो चुकी है तो आप पूरी बच्चेदानी भी निकलवा सकते हैं। और यदि आपको प्रेगनेंसी अचीव करनी है, आप यंग हैं, आपकी उम्र कम है, तो डेफिनेटली आपको यूट्रस सेविंग सर्जरी, यानी कि केवल गांठ निकालने वाला ऑपरेशन जिसको कि लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी कहा जाता है, वो ही करवानी चाहिए। अभी तक हमने 5.5 किलो तक की गांठ फाइब्रॉइड की दूरबीन से निकाली हुई है, जिससे बाद में बच्चा भी लगा है और नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है। तो बिल्कुल भी मिथ्स में ना फंसिए, घबराइए नहीं, और यदि फाइब्रॉइड डायग्नोस हुआ है तो डेफिनेटली आज ही अपना इलाज करवा लीजिए। तो यदि आपका फाइब्रॉइड डायग्नोस हुआ है तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं और आज ही अपना इलाज दूरबीन के द्वारा या हाथ वाले ऑपरेशन दोनों से करवा सकते हैं। बट अगेन आपको फिर एक सही चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी कि दूरबीन वाला ऑपरेशन अच्छा है या हाथ वाला ऑपरेशन। और हम बार बार हर वीडियो में बता चुके हैं आपको कि दूरबीन वाले ऑपरेशन के कितने सारे फ़ायदे हैं। क्योंकि एक मिथ और होता है कि फाइब्रॉइड अगर है और उसकी सर्जरी होनी है तो क्या बच्चेदानी को बचाया जा सकता है? डेफिनेटली बचाया जा सकता है। यदि एक गांठ है तो भी बचाया जा सकता है, अगर 40 गांठें हैं तो भी बचाया जा सकता है। अभी तक हमने दूरबीन से 60 गांठें निकाली हुई है, सारी गांठों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला गया है, सोनोग्राफी के द्वारा देखकर लोकेट करके एक एक गांठ को ढूंढ लिया जाता है और उसको प्रिसाइसली निकाला जाता है। और जब भी गांठों को निकाला जाता है तो बच्चेदानी डैमेज ना हो उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। क्योंकि जब भी गांठ निकालने वाला ऑपरेशन किया जाता है तो जनरली पेशेंट माँ बनने की कोशिश कर रही होती है या उसके बच्चे बार बार ख़राब हो रहे होते हैं, ऐसी स्थिति में बच्चेदानी डैमेज ना हो और अंदरूनी तौर पर भी बच्चेदानी सही हो और आगे चल के प्रेगनेंसी हो सके और प्रेगनेंसी में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। और दूरबीन वाला ऑपरेशन कराने का एक फ़ायदा और होता है कि यदि आप बच्चे के लिए प्लान कर रही हैं तो बच्चेदानी अंदर से दूरबीन से चेक हो जाते हैं, जिसको कि हिस्ट्रोस्कोपी कहा जाता है, और साथ में नलियों को भी चेक कर लिया जाता है जिसको कि क्रोमोपर्ट्यूबेशन टेस्ट कहा जाता है। और ये दोनों ऑपरेशन साथ ही प्लान किए जा सकते हैं। इसलिए यदि आपको गांठ है तो ये बात दिमाग से निकाल दें कि बच्चेदानी को बचाया नहीं जा सकता, बच्चेदानी को डेफिनेटली बचाया जा सकता है, दूरबीन से ऑपरेशन किया जा सकता है। और ये भी एक मिथ्या दिमाग में आता है कि पहले ऑपरेशन यदि हो गया तो फिर दूरबीन वाला ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। यदि आपका पहले किसी भी कारणवश हाथ वाला ऑपरेशन या दूरबीन वाला ऑपरेशन हुआ है, बाद में दोबारा आराम से दूरबीन वाला ऑपरेशन किया जा सकता है। और यदि आपकी उम्र ज़्यादा है, आपके
फाइब्रॉइड्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा है, आपकी फैमिली पूरी हो चुकी है और आपको ब्लीडिंग की काफ़ी ज़्यादा समस्या है, तो डेफिनेटली आपको फिर यूट्रस रिमूवल का ऑपरेशन चूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक बार फाइब्रॉइड निकालने के बाद दोबारा भी फाइब्रॉइड होने की संभावना होती है, जिसके कारण आप आराम से आगे यूट्रस से संबंधित किसी भी समस्या से अपना बचाव कर सकती हैं, क्योंकि जब यूट्रस ही निकल जाएगा तो डेफिनेटली फिर किसी प्रकार की यूट्रस से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि आपके फाइब्रॉइड से रिलेटेड अभी भी कोई मिथ या कोई ऐसी बात है जो आपके दिमाग में चल रही है जो अभी तक आंसर नहीं हुई है, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं या स्क्रीन पर दिखाए गए हमारे कस्टमर केयर नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। वहाँ पे हमारे हेल्थ केयर एक्सपर्ट आपको आपके सवालों के पूरे जवाब देने की कोशिश करेंगे और हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।